हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ इंग्लिश बिहाई बुक का चैप्टर नंबर टू द साउंड ऑफ़ द म्यूजिक का पार्ट सेकेंड के समरीज प्लस एम हम पार्ट फर्स्ट के समरी प्लस एम कर चुके हैं अगर आपने नहीं पढ़ी हो वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्ले मिल जाएगी ठीक है तो आप जाके पढ़ सकते हैं तो पार्ट सेकेंड किसके बारे में था द शनाई ऑफ द बिस्मिल्ला खान जी की ये स्टोरी है राइट right. तो सबसे पहले हम समरी पढ़ते हैं मेन मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे हम ठीक है बिस्मिल्ला खान मेड अ वेल्यूबल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक थ्रू द शहनाई उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक में शहनाई के थ्रू बिस्मिल्ला खान वाज अ ग्रेट शहनाई प्लेयर ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द प्रोफेशनल म्यूजिशियंस बिमिल्ला खान जी एक शेनाई के प्लेयर थे बहुत ही अच्छा शहनाई वो बजाते थे और उनकी जो फैमिली थी वो सब उसमें सभी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे ठीक है शनाई रिप्लेसड पोंगी विच हैड अ श्रिल अनप्लीजेंड साउंड अब इसमें पास्ट की हम बात कर रहे हैं शनाई को रिप्लेस किया था पोंगी पहले पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा श्रिल और अनप्लीजेंड साउंड प्रोड्यूस करता था मतलब जो उस कानों को सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी ठीक थी। है श्रिल का मतलब होता है शार्प वो बहुत ही ज़्यादा शार्प साउंड वो प्रोड्यूस करता था पोंगी ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ था वो हम आगे पढ़ेंगे शनाई ने कैसे उसको रिप्लेस किया शई को किसने बनाया वो हम पढ़ेंगे पुंगी अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वॉज़ बैंड बाय द एरियो एम्पायर औरंगजेब फॉर इट्स श्रिल एंड प्लेज साउंड पुंगी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था पास्ट की अगर बात करें हिस्ट्री की हम बात करें जहाँ पे औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया था क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी बहुत ही ज़्यादा शार्प आवाज़ थी कानों को सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी नाइट अ बाबर ऑफ़ अ फैमिली ऑफ द म्यूजिशियंस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ़ द पोंगी अब बाबर की एक बाबर था उसकी ना फैमिली में सभी म्यूजिशियंस थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पुंगी की टोनल क्वालिटी टोनल क्वालिटी मतलब साउंड क्वालिटी को वो इम्प्रूव करेंगे ही टू होलो पाइप उन्होंने एक होलो पाइप लिया ठीक है जो कि पुंगी से थोड़ा सा बड़ा था और उसके अंदर क्या कर दिए सेवन होल्स कर दिए ठीक है फिर जब उसको बजाया गया तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा स्वीट और सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस हुई इट वॉज़ पुंगी इन द शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय द नाई बाबर इट वॉज नेम्ड अ शहनाई तो अब जब उसे शाह के चैम्बर में प्ले किया गया तो ऐसे उसका नाम पड़ा शाह के चैम्बर में प्ले किया गया तो शाह और एक नाई ने एक बाबर ने बनाया था तो हिंदी में नाई बोलते हैं ना तो नाई वर्ड लिया तो ऐसे बना शहनाई ऐसे ये वर्ड प्रोड्यूस हुआ ऐसे ये वर्ड बना द साउंड ऑफ द शनाई इज़ कंसिडर्ड एस्पीशियस जो साउंड uh, थी शेनाई की उसको बहुत ही ज़्यादा एस्पीशियस माना गया द शनाई वॉज अ पार्ट ऑफ़ द नौबत शई जो है हिस्ट्री में एक नौबत का पार्ट हुआ करता था नौबत क्या होता है ग्रुप ऑफ़ नाइन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि रॉयल कोर्ट में बजाए जाते थे उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट था शहनाई इट वॉज़ प्लेड इन द टेम्पल एंड द वेडिंग और शनाई को टेम्पल्स और वेडिंग्स में बजाया जाता है उस्ताद बिस्मिल्ला खान इज़ अ शन मास्टर मास्टर का मतलब क्या होता है मास्टर थे वो शहनाई के बिस्मिल्ला खान जी बिस्मिल्ला खान टुक टू म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ वेन ही वॉज थ्री ईयर ओल्ड इन द कंपनी ऑफ द मेटर्नल अंकल बस्मिल्ला खान जी की लाइफ में म्यूज़िक ने कवेंट्री मारी थी जब वो तीन साल के थे जब अपने मामा के मेटर्नल अंकल्स कौन होते हैं जो कि मामा होते हैं ठीक है बसमिल्ला खान जी के मामा के घर वो गए थे तो वहाँ पर उन्हें इंटरेस्ट आया था म्यूज़िक में He used to sing Chahita in the Balaji Temple and practicing Shanai in Vishnu and Mangla Maya Temple. तो Chahita वो गाते थे Balaji Temple में और practice करते थे Shanai की Vishnu Temple और Mangla Maya Temple में और Bank of River of Varanasi में भी ठीक है तो ये उनकी तीनों बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा जगह थी जहाँ पर वो practice करते थे बिस्मिल्ला खान जी शहनाई की At the age of 14, he played शनाइड with his uncle at the Alha बाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस तो जब वो चौदह साल के हुए तो उन्होंने अपने अंकल के साथ मतलब वही मटर्नल अंकल अपने मामा के साथ मिलके वो गए थे अहमदाबाद अलाबाद सॉरी अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे वो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे शहनाई को प्ले किया था उनके साथ मिलकर ठीक है अब इसमें क्या बात की थी हमने कि तीन साल के थे जब उन्हें म्यूज़िक में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने मेटरनल अंकल को अपने मामा को शहनाई को प्ले करते हुए देखा था सुना था तो उन्हें वहाँ से इंटरेस्ट आया था अब वो चौदह साल के थे जब उन्होंने पहली बार अपने मामा के साथ मिलकर एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में प्ले की थी शहनाई बिस्मिल्ला खान जी अप्रिशिएटेड बाय द उस्ताद फहीज़ खान जी ने एक उस्ताद फहीज़ ख़ान है उन्होंने बिस्मिल्ला खान जी को अप्रिशिएट किया था ठीक है क्योंकि उन्हें दिख गया था कि जो बिस्मिल्ला खान जी हैं वो बहुत अच्छी शहनाई बजाते हैं ही ऑल्सो प्ले शहनाई ऑन द फिफ्टीन ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन फ्रॉम द रेड फोर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू शहनाई को उन्होंने फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन को भी प्ले किया था फ्रॉम द रेड फोर्ड रेड फोर्ड में किसके सामने किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने उन्होंने शहनाई को प्ले किया था ठीक है फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट अ फिल्म गूंज उठी शनाई और फिर एक फिल्म डायरेक्टर थे विष्णु विजय भट्ट जिन्होंने गूंज उठी शनाई एक फ़िल्म बनाई थी जिन आ, जिसमें बिस्मिल्ला खान जी ने एक सॉन्ग को कंपोज किया था वो था दिल का टुकड़ा है टूट गया और उन्होंने एक चीज़ एक में और आ, गाना कंपोज किया था वो थी सनादी अपना में ठीक है तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड एंड वन उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज़ अवार्डेड इंडियाज़ हाइस सविलियन अवार्ड द भारत रत्न अब आपको याद रखना है कि 2021 में उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला था जो कि सबसे बड़ा अवार्ड होता है ठीक है तो वो टू थाउजेंड uh, में उन्हें मिला था ठीक है तो यहाँ पे समरीज फिनिश होती है ठीक है अब हम चलते हैं एम पर ठीक है अब इससे रिलेटेड जितने भी एम होंगे छोटी छोटी जितनी भी बातें होंगी वो हम इसमें जानेंगे ठीक है अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली होगी चैप्टर की तो आप अच्छे से इस एम का आंसर कर पाओगे फर्स्ट है हमारा हु बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी इन द रॉयल पैलेस किसने पुंगी को बैन कर दिया था रॉयल पैलेस में बाबर अकबर शाहजहां और औरंगजेब तो आपको करेक्ट आंसर पता ही होगा डी औरंगजेब ठीक है दी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे चलते हैं हम वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी इन द रॉयल पैलेस क्यों औरंगजेब ने बैन कर दिया था पोंगी को रॉयल पैलेस में क्योंकि इट वॉज प्लेड ओनली बाय द हिंदूज ही लुकड इट इट्स ब्यूटिफुल साउंड ही डिड नॉट लाइक इट्स अनप्लीजेंट टोन और नन ऑफ तो इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होता है तो करेक्ट ऑप्शन इज सी ही डिड नॉट लाइक इट्स अनप्लीजेंट टोन ठीक है क्योंकि उसकी बहुत ही ज्यादा श्रिल और अनप्लीजेंट साउंड थी करेक्ट आंसर इज सी आगे चलते हैं डिड दिलोंग बाबर की जो फैमिली थी मतलब नाई की जिन्होंने शे नाई को बनाया था वो उनकी जो फैमिली थी वो किससे बिलोंग करती थी प्रोफेशनल बाबर्स प्रोफेशनल म्यूजिशियंस प्रोफेशनल सोल्जर्स और प्रोफेशनल बेकरस करेक्ट आंसर इज प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की उनकी फैमिली थी तो करेक्ट ऑप्शन इज पी ठीक है फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं वट डिट दाबर डिसाइडिड टू डू बाबर ने क्या डिसाइड किया था नाई ने क्या डिसाइड किया था टू प्ले द पोंगी बिफोर द एम्प्रर एम्पर एम्प्रर नॉट टू कट द एम्प्रूव हेयर टू रिक्वेस्ट द एम्प्रर टू लिफ्ट द बैन फ्रॉम द प्लेंग ऑफ द पोंगी और टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पोंगी तो करेक्ट ऑप्शन इज डी उन्होंने ये चीज़ डिसाइड किया था औरंगजेब ने कि वो पोंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे मतलब उसके साउंड को इम्प्रूव करेंगे ठीक है फिफ्थ है हमारा एम व्हेयर क्यू वी आर डिड ही प्ले हिज न्यूली डिस्कवर्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द फ़र्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम कहाँ पे उन्होंने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाया था सॉरी बनाया था कह रही हूँ uh, मतलब सबसे पहले प्ले कहाँ पर किया था इन द शाह द पब्लिक इन द ओपन कोर्ट ऑन डॉफीज तो करेक्ट ऑप्शन होता है ए इन द शाह चैम्बर आप साथ में साथ अपने कॉपीज में इसके ऑप्शन लिखते जाओ अगर आपको कोई लगता है कि आपका गलत ऑप्शन है तो उसको अलग से एक जगह लिख लो जिससे आपको याद रहे ठीक है अपने आपको मार्क्स देते रहो वट नेम वॉज गिवन टू दू द न्यू इंस्ट्रूमेंट इस न्यू इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया गया था न्यू पुंगी इम्प्रूव्ड पुंगी शहनाई और ननोवती तो आपको पता ही है सी शहनाई है ना शहनाई नाम दिया गया था हाउ द साउंड ऑफ द शहनाई बी कम टू बी कंसिडर्ड जो साउंड थी शहनाई की उसको कैसे कंसिडर किया गया था स्पीशियस इलोमिनेट अनप्लीजेंट असाइन ऑफ द म्योरिंग तो करेक्ट ऑप्शन इज ए स्पीशियस ठीक है हमने अभी बात करी है समरी में वेन एंड वेयर इज द शेनाई प्लेड कहां पर शेनाई को प्ले किया जाता था इन इन द एंड दस ऑकेजन ऑल द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज टी ऑल द ऑप्शन आर राइट टेम्पल्स में भी प्ले होता था वेडिंग्स में भी प्ले होता और अगर उससे रिलेटेड कोई भी ऑकेजन होता था उसमें भी प्ले की जाती थी शेनाई को ठीक है

रेगुलरली गो टू सिंह भोजपुरी चहिता तो वो रेगुलरली भोजपुरी भोजपुरी चहिता गाने के लिए वो कहाँ पर जाते थे बाला बिहारी जी टैंपल जामा मस्जिद रूम पूर्वा और दुर्गा टेम्पल तो करेक्ट ऑप्शन इज बिहारी जी टेम्पल जाते थे वो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ट्वेल्थ है हमारा वेयर वॉज बिस्मिल्ला खान बॉर्न बिस्मिल्ला खान जी कहाँ पर पैदा हुए थे वाराणसी डेली दमराव या फिर नन ऑफ तीस तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन पता ही होगा करेक्ट ऑप्शन होता है कि वो दमराव में पैदा हुए थे करेक्ट ऑप्शन सी आगे चलते हैं वट वॉज़ द नेम ऑफ द बिस्मिल्ला खान फादर बिस्मिल्ला खान जी के फ़ादर का क्या नाम था रसूल बख्श खान पैगम्बर बग्स अली बग्स और लजारड रसूल खान तो करेक्ट ऑप्शन इज बी पैगंबर बक्स ठीक है ये उनके फादर का नाम है आपको याद रखना है ओके okay. आगे चलते हैं हु अली बक्स अली बक्स कौन थे बिस्मिल्लास फादर बिस्मिल्लास ग्रैंडफादर फादर बिस्मिल्लास मेटर्नल अंकर्स और बिस्मिल्लास फ्रेंड तो करेक्ट ऑप्शन आपको क्या करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है सी उनके मामा थे बिस्मिल्ला खान जी के अली बख्स जिनके साथ वो प्रैक्टिस करते थे जिनको वो देखते थे शहनाई बजाते वक्त जिनकी वजह से उन्हें इंटरेस्ट आया शहनाई में बिस्मिल्ला खान जी को ठीक है फिफ्टीन है हमारा बिस्मिल्ला खान वॉज़ डीपली अटैच टू डीपली वो किससे अटैच थे यमुना गंगा नर्मदा और गोदावरी तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है आपने चैप्टर में पढ़ा होगा बैंक ऑफ रिवर ऑफ वाराणसी तो वो क्या है गंगा तो करेक्ट ऑप्शन इज पी गंगा ठीक है सिक्सटीन क्वेश्चन बनता है बिस्मिल्ला खान कॉल्ड खान साहब बिस्मिल्ला साहब किंग साहब और उस्ताद साहब तो उन्हें क्या बोला जाता था करेक्ट ऑप्शन इज आप करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ए किंग साहब उन्हें कहा जाता था ठीक है ये या आपको याद रखना है खान साहब उन्हें कहा जाता था सॉरी किंग साहब नहीं साँग. खान साहब खान साहब उन्हें कहा जाता था ठीक है सेवन क्वेश्चन इज विच इज़ द इंडियाज़ हाइस्ट सिविलियन अवार्ड सिविलियन अवार्ड का क्या नाम है पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण और भारत रत्न तो आपने पता ही है बिस्मिल्ला खान जी को कौन सा सबसे बड़ा अवार्ड मिला था भारत रत्न उन्हें मिला था तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी ठीक है आंसर इज़ टी एटीन तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान ऑडिटोरियम इज़ सिचुएटेड इन एक ऑडिटोरियम उनके नाम पे बनाया गया था ठीक है उनका नाम रखा उनके नाम पर रखा गया था इस ऑडिटोरियम का नाम तो ये कहाँ पर था मॉन्ट्रस ओस्का तेहरान और बैरिन तो करेक्ट ऑप्शन सी तेहरान में ये ऑडिटोरियम सिचुएटेड है वहां पर है ठीक है करेक्ट ऑप्शन सी वेयर इज कॉल सेंटर हॉल सिचुएटेड ये वाला जो सेंटर हॉल था ये कहाँ पे सिचुएटेड है यूके यूएसए कनाडा और फ्रांस सो आंसर होता है हमारा आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे क्या चीज सिचुएटेड है ठीक है तो आंसर है हमारा बी लिनकॉन सेंटर हॉल हमारा यू एस ए में है ठीक है और जो ऊपर वाला जो था हमारा वो तहरान में है जो ऑडिटोरियम जिनके नाम पे उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी के नाम पे उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया था ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन है हमारा और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन इसमें से कौन सा जो है बिसमिल्ला खान जी का कंपोजिशन है दिल का खिलौना है टूट गया मेरे खुदा मुझको ना भुलाना मैं तेरे तेरे डर को आया नू ये दिल का तराना है तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही है ए है दिल का खिलौना है टूट गया ठीक है ओके okay. आगे चलते हैं हम ऑन ऑगस्ट फिफ्टीन नाइनटीन फोर्टी सेवन विच राग वॉज प्लेड बाय द बिस्मिल्ला खान फ्रॉम द रेड फोर्ट उन्होंने कौन सा राग गाया था ठीक है करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हो राग मोलहर राग दीपक राग काफी और राग मैग तो करेक्ट ऑप्शन इज सी राग काफी उन्होंने गाया था ट्वेंटी टू क्वेश्चन आ जाता है हमारा व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर बिस्मिल्ला खान उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है बिस्मिल्ला खान जी का रेड फोर्ट रॉयल प्लेसेस गंगा घाट और नन करेक्ट ऑप्शन इज सी गंगा घाट उनका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है हमने चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ी है कि गंगा घाट पर वो बैठ के प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी हु ऑल वर प्रेजेंट ऑन द इवेंट्स ऑफ फिफ्टीन अगस्त तो फिफ्टीन अगस्त का जो इवेंट था हमारा इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट हमारी इंडिपेंडेंस डे का जो इवेंट था उसमें कौन कौन से लोग प्रेजेंट थे नेहरू गांधी ऑल एमिनेंट पीपल और ऑल करेक्ट ऑप्शन इज डी सभी लोग प्रेजेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गांधी जी हो वो सभी प्रेजेंट थे ठीक है ओके okay, आगे चलते हैं ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है वाई वॉज द इवेंट ऑफ द शाई प्लेइंग ऑन फिफ्टीन अगस्त हिस्टोरिक वन ठीक है फिफ्टीन अगस्त का जो इवेंट था वो इतना हिस्टोरिक क्यों था ये आपको बताना है बिसमिल्ला बिकम्स पॉपुलर people appreciate his performance. It was Independence Day or all. तो correct option aapka ho jata hai C. It was an Independence Day. Independence day tha hamara first Independence day tha इसीलिए वो event जो है वो एक्स्टॉर्क event था. ठीक है. ओके आगे चलते हैं. Twenty fifth question है हमारा. Why did Bismillah Khan refused to go to the USA? बिसमिल्ला खान जी ने रिफ्यूज़ क्यों कर दिया था यू से जाने के लिए बिकॉज द शन आई ही डिड नॉट लाइक द प्लेस बिकॉज ऑफ इज लव फॉर द बनारस एंड रिवर गंगा एंड ऑल तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन पता ही है वो है सी क्योंकि उन्हें बनारस और रिवर गंगा से बहुत ज़्यादा प्यार था है ना उन्हें इंडिया के लिए हिंदुस्तान के लिए और ये वाले प्लेसेस जो हैं बनारस और रिवर गंगा उन्हें उससे बहुत प्यार था इसीलिए वो यू एस से नहीं जाना चाहते थे वट इज़ फैसिनेटेड द यंग बॉय अब जब बिस्मिल्ला खान जी छोटे से थे तीन साल के थे तो किस चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया था पुंगी एंड द प्रैक्टिस ऑफ पुंगी बाय हिज अंकल शनाई एंड द प्रैक्टिस ऑफ शनाई बाय द आंटी इज फैसिनेटेड द लिटिल बॉय शेनाई एंड द प्रैक्टिस ऑफ शनाई बाई हिज़ अंकल और नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका सी शेनाई और अंकल जो उसके मामा जो थे वो शेनाई की प्रैक्टिस करते थे तब वो यंग बॉय खान जी को फैसिनेट किया था शहनाई ने ठीक है और उसके अंकल ने ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा बिस्मिल्ला खान प्रमोटेड शहनाई टू द इंटरनेशनल लेवल हाउ कैसे बिस्मिल्ला खान जी ने शहनाई को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया था

उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड एक्सपोजिशन कैनन आर्ट फेस्टिवल और ट्रेड फेस्टिवल ऑस्का स्ट्रेट फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ऐसे उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया था शेनाई को व्हाट वाज द बिस्मिल्लाह खान ग्रैंड फादर ग्रैंड फ़ादर जो थे बिस्मिल्लाह खान जी के वो क्या थे उनका प्रोफेशन क्या था कोटरे एन एक्टर द शनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग कोर्ट और ऑल ऑफ दिस तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही है वो है सी द शहनाई नवाज ऑफ द बिस्मिल्ला ऑफ द भोजपुरी किंग कोर्ट ठीक है बिस्मिल्ला खान जी के जो ग्रैंड फादर थे वो शहनाई नवाज थे ऑफ द भोजपुरी किंग कोर्ट के ठीक है नेक्स्ट आ जाता है ट्वेंटी नाइन हाउ इज़ द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी शहनाई जो है वो पुंगी से डिफरेंट क्यू थी शहनाई लुक मोर ब्यूटीफुल शहनाई हैज़ अ बेटर साउंड शहनाई इज मेड अप ऑफ वर्ड और डी ऑप्शन है नन ऑफ थी तो क्या करेक्ट ऑप्शन था शेनाई हैज़ अ बेटर साउंड कि शेनाई की जो साउंड जो थी वो बहुत बेटर थी पुंगी से ठीक है करेक्ट ऑप्शन इज पी थर्टी क्वेश्चन है वेन वॉज द बिस्मिल्ला खान बॉट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिसमिल्ला खान जी पैदा कब हुए थे राइट right. आंसर आपको दिख गया गलती से ओके ट्वेंटी फर्स्ट मार्च नाइनटीन सिक्सटीन मार्च नाइनटीन सेवेंटी मार्च नाइनटीन एटीन मार्च तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है ए ट्वेंटी वन मार्च नाइनटीन सिक्सटीन को वो पैदा हुए थे ठीक है ए इज द करेक्ट ऑप्शन थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज अ फाइव ओल्ड, विच गेम डिड द बिस्मिल्ला खान प्ले जब वो पाँच साल के थे तो वो कौन सा गेम खेलते थे अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा हायर एंड सी चोर पुलिस और नन ऑफ तीस करेक्ट ऑप्शन इज़ ए वो गिल्ली डंडा खेला करते थे ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन इज ए थर्टी टू एट वट एज बिस्मिल्ला खान वॉज फैसिनेटेड बाय वॉचिंग इज अंकल्स प्रैक्टिस शनाई तो कितने साल के थे जब वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए थे अंकल जो उसकी प्रैक्टिस करते थे शनाई चार साल के थे तीन साल के थे पाँच साल के थे या आठ साल के थे तो हमने अभी ऊपर बात करी और कितने साल के थे वो तीन साल के थे तो करेक्ट ऑप्शन इज़ पी ओके okay, नेक्स्ट पे चलते हैं फर्स्ट अब्रॉड अब्रॉड ट्रिप ट्रिप उनकी पहली पर थी टर्की अफगानिस्तान इजराइल और भूटान तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन पता ही है वो है बी अफगानिस्तान में थी उनकी फर्स्ट ट्रिप ठीक है बी इज द करेक्ट ऑप्शन थर्टी फोर्थ है हाउ डिड बिस्मिल्ला ग्रीट आवर नेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस डे उन्होंने कैसे नेशन को ग्रीट किया था बाय थ्रोइंग फ्लावर्स बाय सॉन्ग बाय प्लेइंग शनाई और नन ऑफ दीज तो करेक्ट ऑप्शन होता है इसका सी बी टिकाना टिक करके आ जाना क्योंकि उसमें भी लिखा है कि उन्होंने कोई सॉन्ग प्ले किया था नहीं उन्होंने, शे, उन्होंने शेनाई को प्ले किया था तो करेक्ट ऑप्शन है सी ठीक है इसमें भी कन्फ्यूज मत हो जाना विच फिल्म डायरेक्टर वॉज बाय द बिसमिल्ला खान तो बिस्मिल्ला खान जी को कैसे को कौन से फिल्म डायरेक्टर जो है वो बिस्मिल्ला खान जी से इम्प्रेस हो गए थे ठीक है क्वेश्चन में शायद मैं कोई वर्ड लिखना भूल गई हूँ एक विश्व फिल्म डायरेक्टर वो ऑज इम्प्रेस बाय द बिस्मिल्ला खान यहाँ पे इम्प्रेस्ड वर्ड है ठीक है यहाँ पर ओके तो महेश भट्ट विजय भट्ट संजय भट्ट और ऑल ऑफ दीज तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही है करेक्ट ऑप्शन है बी विजय भट्ट हमने ऊपर समरी में बात करी है कि विजय भट्ट जो है वो इम्प्रेस हो गए थे बिस्मिल्ला खान जी की शहनाई से ठीक है वे आर डिट द बिस्मिल्ला कंपनी हिज अंकल अली बख्स एट अंग एज वो बिस्मिल्ला खान जी को कहाँ पर बिमिल्ला खान जी जो है वो अपने अंकल को अलीब्स को कहाँ पर एट अंग एज में अकंपनी करते थे दुर्गा टेम्पल विष्णु टेम्पल काली टेम्पल और नॉर्थ ईस्ट द करेक्ट इज बी विष्णु टेम्पल में वो अकम्पनी करते थे किसको अलीबग्स को जो कि उनके मामा हैं थर्टी सेवन क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज बिस्मिल्ला खान वेन ही वॉज अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड तो बिस्मिल्ला खान जी कितने साल के थे जब उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी आपको याद रखना है सेवनटी एट्टी एटी फाइव नाइन्टी फाइव तो वो थे सी ऑप्शन एट्टी फाइव साल के थे वो ये भी आपको याद रखना है और भारत रत्न का अवार्ड उन्हें कौन सी ईयर में मिला था टू में उन्हें मिला था ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम विच इंडिकेट्स प्रूव टू बी द बिग ब्रेक फॉर द बिस्मिल्ला खान उन्हें पहला ब्रेक कब मिला था बिस्मिल्ला खान जी को हिज फर्स्ट मीटिंग मीटिंग विद उस्ताद फैज खान ओपनिंग ऑफ द म्यूजिशियन सपोर्ट सेंटर इन बॉम्बे इन नाइनटीन सेवन परफॉर्मेंस एट द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन तो आपको करेक्ट ऑप्शन पता ही है डी ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ था वहां पे लखनऊ में 1938 में तो वहां पे उनका ये था उनका पहला इंसिडेंट जो कि जो जो कि कि क्या था ओके okay. उन्हें बिग ब्रेक मिला था ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका डी थर्टी नाइन क्वेश्चन है हु गेव द फेमस स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टनी ऑल ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तो किसने ये स्पीच दी थी ये बहुत फेमस स्पीच है ट्रस्ट विद डेस्टिनी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे किसने इस फेमस स्पीच को दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बी आर अंबेडकर के एम मुंशी तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका बी पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने इस स्पीच को दिया था ठीक है हु गिफ्टेड प्रिंसलेस पोर्शन कारपेट्स एंड अदर स्वैनियर्स टू द बिसमिल्ला खान तो किसने बिसमिल्ला खान जी को प्रिंसलेस पोर्शन कारपेट है और आप बोल सकते हो कि सोर्विन का मतलब होता है कि उस पे से रिलेटेड कोई याद कोई चीज़ देना ठीक है ज़ाहिर हुसैन विक्रम सरिनवास किंग जहिर शाह उस्ताद फहीज़ खान तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता है वो है सिंह कहीं किंग जहीर शाह ने उन्हें ये प्रिंसलेस कारपेट और उससे जो वहाँ से अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई एक ऐसी चीज दी थी याद के लिए ठीक है तो ये अफगानिस्तान के प्रिंस थे सी इज द करेक्ट ऑप्शन फोर्टी वन क्वेश्चन है हमारा तो अब यहाँ से आपके ना प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे फोर्टी टू से फोर्टी वन और पढ़ लेते हैं विच वॉज द उस्ताद बिस्मिल्ला खान अवार्ड इंडियाज हाइस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न तो उन्हें कब मिला था भारत रत्न अवार्ड हमने अभी ईयर की बात करी है 2001, 2002, 2003, 1977 तो करेक्ट ऑप्शन पता ही है आपको ए में मैंने आपको बताया 2001 में उन्हें अवार्ड मिला था तो इज़ करेक्ट ऑप्शन अब जो 42 से लेकर 46 तक क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने इसमें ऐड इस कर रहे हैं तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि आपको कितना आपने आपको समझ आया है ठीक है बिस्मिल्ला खान म्यूज़िक म्यूज़िकज उन्होंने म्यूज़िक को ऐसा किससे रेफर्स किया था हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन हिंदुस्तान कल्चर आइडेंटिफाई हिंदुस्तान ग्लोरी एंड कल्चर एंड द सोल ऑफ इंडिया ठीक है इसका आपको मुझे आंसर बताना है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड जो उनके लिए सबसे वंडरफुल टाउन थे वर्ल्ड में कौन थे इनमें से आपको ऑप्शन में से आपको बताना है काबुल और लंदन तेहरान और कोल्हापुर बॉम्बे और कोल्हापुर बनारस और दुमराव ठीक है इसमें से आपको मुझे बताना है कमेंट्स में विच ट्रेडिशनल स्वीट्स वुड बिस्मिल्ला खान अर्न एट द एंड ऑफ सिंगिंग भोजपुरी चाहिता एंड बहारी बिहारी जी टेम्पल बिहारी जी यहाँ पे आई लगेगा ठीक है ओके बिहारी जी टेम्पल में जब वो चहिता गाते थे तो एज अ गिफ्ट उन्हें क्या मिलता था एज अ रिटर्न में उन्हें क्या मिलता था कौन सी स्वीट उन्हें मिलती थी जलेबी लड्डू बर्फी और गुलाब जामुन तो आपको याद होगा उन्हें क्या मिला है द पास द शनाई वॉज अ पार्ट ऑफ शनाई किसका पार्ट हुआ करती थी पास में नौबत चालीसा तेरी रतन और मानसा तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है फोर्टी सिक्स हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा बिस्मिल्ला खान बिलोंग टू द वेल नोन फैमिली ऑफ द म्यूजिशियंस फ्रॉम पहले well, ये कहाँ के कहाँ के थे बिस्मिल्ला खान जी आपको ये बताना है उनकी जो म्यूजिशियस की फ़ैमिली थी वो कहाँ की थी उत्तर प्रदेश केरला उड़ीसा और बिहार ठीक है तो यहाँ पे ये 5, 5 आपके एम होते हैं फिनिश फोर्टी सिक्स एम हमने पढ़े हैं फोर्टी वन एम के मैंने आपको आंसर बताए हैं फाइव फाइव एम सी आपके प्रैक्टिस के लिए हैं ठीक है तो इसमें हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट कवर हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग ठीक है और जो रह गया वो हमने सामने में भी पढ़ लिया है ना, छोटी समरी थी ठीक है तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूल जाना मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना इन पाँचों के आंसर ओके ये आपके ही लिए है पांच क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट ज़रूर करो ठीक है क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं जल्दी ही तो आपको इन्हें आंसर करना है ओके अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एम करेंगे और वीडियोस के लिए के ठीक है लिटिल गर्ल का चैप्टर ऑलरेडी मेरे चैनल पर पोस्ट हो गया अगर आपने नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा आप जाके पढ़ सकते हैं लिटिल गर्ल का चैप्टर ठीक है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैंने बहुत ही ईजी वे में पढ़ाया है तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो सपोर्ट मी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय